एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लारण्या क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फॉर क्लास सेवेंथ, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज़ हीट। सो इन दिस चैप्टर ये हम कवर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हीट क्या है, हीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, हीट को आप कैसे मेजर करते हो, उन मेजर करने वाले जो जितने भी डिवाइसेस होते हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है हीट, तो हीट के अंदर आता है डिफाइन डेफिनेशन ऑफ हीट। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव रिटन दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड। आप इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज When you rub your hands, जब आप अपने हाथों को रब करते हैं, ठीक है, तो आपके हाथों की जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी है, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इंटू हीट एनर्जी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल रहा आपका कि हम हीट एनर्जी को कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और है, दूसरा एग्जाम्पल है इसमें कि जब आप किसी फ्यूल को जलाते हो, कोई भी फ्यूल जब आप बर्न करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो फ्यूल में प्रेजेंट केमिकल एनर्जी है, जब वो जलता है केमिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या हो गया, हीट एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चलिए हमें एक और चीज़ से ये कॉन्सेप्ट जो है हीट एनर्जी का वो समझते हैं। देखिए, जो भी आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, जितने तीनों आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है, व्हेन यू हीट अप, जब आप इन तीनों को हीट करते हो, देयर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर प्रेजेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स है, लाइक मैं अगर सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव लिटिल बिट स्पेस इन बिटवीन देम। ओके, एंड जो गैशियस स्टेट के हैं दे हैव मोर स्पेस, उसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जब भी आप इन तीनों स्टेट्स को गर्म करते हैं, किसी भी एक स्टेट को आप गर्म करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूविंग दे स्टार्ट शोइंग मूवमेंट। जितना आप हीट करते जाओगे दे कंटिन्यूसली स्टार्ट मूविंग, वो आपको मूव करते जाएंगे, मूवमेंट दिखाते जाएंगे। द मोर यू हीट द फास्टर इज़ द मूवमेंट, जितना आप ज़्यादा हीट करेंगे उतनी ही ज़्यादा मूवमेंट होगी। देयरफॉर हमने क्या सीखा इस बात से कि जो हीट एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड देन उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट गेनिंग एनर्जी। जब भी मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, तब ही उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट व्हाट इज हीट। हीट क्या है, हमें पता चल गया, हीट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट किसी भी चीज़ के अंदर प्रेजेंट, वी ऑल नो दैट कि कोई भी अगर चीज़ है, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स। जब भी वो चीज़ें हीट अप होंगी, मूवमेंट होगी, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब ये जानने के बाद हमने जानना है कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट क्या क्या कर सकती है। हीट जो है वो किसी भी चीज़ का जो है स्टेट वो चेंज कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल है, मैं आपको बताती हूँ, लाइक आपका आइस को आप हीट करोगे, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। मतलब आइस कौन से फॉर्म में थी, आइस आपकी सॉलिड फॉर्म में थी, व्हेन यू हीट अप तो वो कौन से लिक्विड में चेंज, कौन से स्टेट में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, दैट मीन्स जो हीट है इट कॉजेज चेंज इन स्टेट। सेकेंड जो है आपकी हीट का एग्जाम्पल है, हीट का इफेक्ट है, इट कॉजेज चेंज इन शेप और चेंज इन टेम्परेचर। हीट आपका क्या करती है, टेम्परेचर में चेंज लेकर आती है। आपके एनवायरनमेंट में जो आप देख ही रहे हो, जितना ज़्यादा हीट अप हो रहा है उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ हीट। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स, दीज ऑल आर द इफेक्ट्स विच आर अकर्ड ड्यू टू द फिनोमिना हीट। लेट अस अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज टेम्परेचर। बिफोर मूव ऑन टू द टेम्परेचर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज हॉट एंड व्हाट इज
कोल्ड, दो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी गई हैं, हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। तो ये हॉट एंड कोल्ड है क्या? हॉट को हम हिंदी में बोलते हैं गर्म और कोल्ड को हम हिंदी में बोलते हैं ठंडा, जैसे सबको पता है। ओके, देयर आर सो मैनी थिंग्स अराउंड अस विच आर हॉट एंड सम थिंग्स आर कोल्ड, कुछ चीज़ें गर्म है कुछ चीज़ें ठंडी है। हाउ डू वी नो दैट दीज आर हॉट और कोल्ड, हमें कैसे पता चल रहा है कि वो चीज़ें ठंडी हैं या वो गर्म है? ओनली बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, दिस फिनोमिना, दिस टर्म इज रिलेटेड टू हीट। हम इसकी वजह से ही जान पाएंगे कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द, टेम्परेचर इज द डिग्री टू मेजर हॉट एंड कोल्ड, कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर? टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर इज द डिग्री टू मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपने ये देखना है कि वो गर्म है या वो कितना ठंडा है, तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले उस चीज़ का टेम्परेचर नापना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हुआ? इट इज़ द डिग्री टू मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या है? ओके, थर्मोमीटर आपकी बुक में बना हुआ है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी भी थर्मोमीटर है क्या। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस, डिवाइस जैसे कि आपने देखा होगा हर चीज़ को नापने के लिए, जब आप अपने कॉपी में कोई लाइन, आपको हम बोलते हैं टीचर्स की आप लाइन ड्रॉ करिए, तो आप उस लाइन को 15 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक डिवाइस निकालते हो जिससे आप वो लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है। वो डिवाइस क्या है? आपका स्केल। वैसे ही जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नापने के लिए जो आपका डिवाइस है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ओके ओके, सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ये किसके लिए यूज होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर। बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। आपकी एनसीईआरटी में भी थ्री टाइप के थर्मोमीटर्स आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं। फर्स्ट वन इज क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर द थर्मोमीटर्स विच आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब भी नापा जाता है, वो नापा जाता है विद द हेल्प ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इसके लिए आप, इसके लिए आप याद करिए कि इसको आप डॉक्टर्स के पास देखेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को। ओके, सो बेसिकली क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या? इट इज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब विच हैज़ अ मर्करी इनसाइड इट। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मर्करी प्रेजेंट है, और मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कि जब हीट प्रोवाइड करोगे आप उसको, आप तो वो मूवमेंट शो करता है, उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि आप जब आपका जब आपको फीवर होता है, तो डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं, जो पहले के टाइम पर डॉक्टर्स यूज़ करते थे टेम्परेचर नापने के लिए, वो था आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, नाउडेज जो डॉक्टर्स, पहले के टाइम पर जो डॉक्टर्स थे वो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो है वो आपका ये डिजिटल टाइप का थर्मोमीटर जो है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ये सबके घरों में अवेलेबल होगा आजकल। जितना भी होता है, जब भी कोई बीमार पड़ता है, तो वो जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं, दे यूज़ दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर विच इज़ कॉल्ड डिजिटल थर्मोमीटर। ऑल्सो डॉक्टर्स ऑल्सो यूज़ दिस थर्मोमीटर्स एट द क्लिनिक्स, ठीक है। तो ये वाला टेम्परेचर नापने के लिए आपका जो डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात हो गई। अब उसके बाद जो है हमारा चलता है सेकंड वन, विच इज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर द थर्मोमीटर्स विच यूज्ड इन द लेबोरेटरीज ओनली, जिसको आप लेबोरेटरीज में यूज़ करते हो टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड। लेबोरेटरी में किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर नापने के लिए जब आप किसी थर्मोमीटर को यूज़ करते हो, तो वो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स कहलाता है, ठीक है। इसके लिए भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या है आपका। आई हैव दिस वन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये देखिए आपका ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। आई होप ये सबको विजिबल है। यस, दिस इज़ योर लेबोरेटरी थर्मोमीटर।
आई होप इट्स विजिबल टू ऑल. येस इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास. ये भी आपके ग्लास का ही बना है. इट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग नैरो ट्यूब, ग्लास ट्यूब. ये भी आपकी ग्लास ट्यूब है. ओके आई होप ये सबको क्लियर हो गया है. चलिए अब हम थर्ड वन की तरफ जाते हैं. लेबोरेटरी आई होप सबको क्लियर हो गया है. नेक्स्ट आपका थर्मोमीटर है विच इज़ कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. इट इज़ यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्ट. जितना भी आपके रीजन का जितना भी तापमान टेम्परेचर बताया जाता है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा टुडेज़ मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ दिस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ दिस, आपने ऐसे ही वेदर फोरकास्ट सुना होगा. तो उसके लिए जो भी आपको वेदर फोरकास्ट के लिए जितना थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अभी तो जो है मैं आपका क्लास 7 का ही कॉन्सेप्ट्स कर रही हूँ, लेकिन जल्दी ही मैं दूसरी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स भी डालने वाली हूँ, अपलोड करने वाली हूँ. तो जो भी इन क्लासेस के, जो भी अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल के थ्रू लिंक्ड रहिए मेरे से. ओके नई नई वीडियोज़ अपलोड करती जाऊँगी. टिल देन बाय बाय.